जलपली म्युनिसिपैलिटी में पीर के रोज हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में हलका असेंबली महेश्वरम रुकन असेंबली तीगला कृष्णा रेड्डी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बादाजा मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एक पहल की है, जिसके तहत हर म्युनिसिपैलिटी को शजरकारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। चुनाचे जलपली म्युनिसिपैलिटी में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है और आवाम को शजरकारी के बारे में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस मौके पर जलपली म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर मोहम्मद साबिर अली, जलपली म्युनिसिपैलिटी MIM इंचार्ज अहमद सादी, वाइस MPP उमर बाम, TRS प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, मखदूम पटेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अपना मुख्यमंत्री तेलंगाना मुख्यमंत्री KCR जो है हरिता हारम लेके हर म्युनिसिपैलिटी को जो है 4,000-5,000 झाड़ा लगाना सोच रहे। आज अपना महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जलपली म्युनिसिपैलिटी में आज एक ही दिन जो है 2,000 झाड़ा अपन काट रहे, ये बहुत खुशी की बात है। आपको मालूम है बारिश गिरना और बच्चे स्कूल को जाना, स्कूल में बैठना बोले तो बोलो उनको बैठने के लिए ये झाड़ा बड़ा हुए तो जो है सब जने खेद ले सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अगर ज़्यादा झाड़ा लगा के पाले तो फिर आने वाला साल को जो है बारिश अच्छा करके जो है अपने पीने के लिए पानी अच्छा आएगा, बहुत खुशी की बात है। पूरे स्कूल मैनेजमेंट को और यहाँ के हमारे MPTC को पूरा जो है आके जो है ये झाड़ा लगाना हमारे बहुत खुशी की बात है। मैं इससे पहले हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन और मेयर थे वक्त भी द बेस्ट सिटी अवार्ड, द बेस्ट लाइटिंग सिस्टम अवार्ड, द बेस्ट टूरिज्म अवार्ड लिए। यहाँ मैं महेशम आने के बाद भी कम से कम 2,00,000 झाड़ा जो है ये 4 साल से लगाए और ये जो बारिश में और 1-2-3 लाख लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यही तरह लगा चुके हैं हम और जो होम सीड है वहाँ को फ्रूट बेरी जो झाड़ है घर में जो लगाने के झाड़ है वो भी हम होम नर्सरी यहाँ पे जलपली म्युनिसिपैलिटी फार्म करें, उसमें आपको जाम अनार जो भी घर में अपन इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ों के झाड़ा हमारे पास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो हर घर को 2 झाड़ दिया जाएगा कंपलसरी, वो झाड़ को घर वाले संभालने की जिम्मेदारी है और जितने भी रोड साइड लगा रहे हैं जितने जो प्लेसेस में लगा रहे हैं पब्लिक का भी मेन रोल रहना इसमें कि अच्छा प्रोग्राम है। हरिता हरम जो झाड़ अपन आज झाड़ लगा रहे हैं आज रोज़ ऑक्सीजन तकरीबन 4 सिलेंडर तक ऑक्सीजन अपन रोज और जो सांस लेते छोड़ते अगर वही सिलेंडर और ऑक्सीजन जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में तो तकरीबन 2100 रुपये एक आदमी को खर्चा होता, उतना ऑक्सीजन आज कुदरत की बहुत बड़ी रहमत है जो अपने को झाड़ा है झाड़ों को उतना ऑक्सीजन लेकर अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो झाड़ ले लेता। उस लिहाज से तेलंगाना गवर्नमेंट के चैलेंज प्रोग्राम लेके हरिता हरम लगाए और हर लास्ट ईयर भी अपन 1,00,000 झाड़ लगाए और उसको बचाने की जिम्मेदारी है पब्लिक के ऊपर है। तो हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुए और हमारा साथ दे, ऐसे कई प्रोग्राम भी इससे पहले करे हुए हैं और कोई भी स्कूल से अगर कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, अगर पब्लिक करना चाह रहे हैं, कोई NGO सोसाइटी करना चाह रहे हैं तो हमारे तरफ से झाड़ा फ्री सप्लाई किया जाता और हमारे वर्कर्स भी वहाँ आगे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा वैसा कोई प्रोग्राम है तो भी हम आपको म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म कीजिए।